हरि हत सिद्ध सूरी उपजय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे विग्रह उपकारी तिन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई है धन धन तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें दसवें लंब के अंतर्गत जीवंदर कुमार राजा बन रहे हैं। जीवंदर कुमार का राज्याभिषेक होना है, उसकी घोषणा हो चुकी है। राज्याभिषेक की चर्चा सामने आते ही जीवंदर कुमार ने निर्णय लिया कि राजपुरी नगरी में जितने भी जिन मंदिर हैं उन समस्त जिन मंदिरों की वंदना की जाए। इससे सुंदर परिणाम और क्या हो सकता है। हमारे भी विशेष प्रसंगों पर हमें तीर्थ क्षेत्र याद आवे, जिन मंदिर याद आवे, तो समझ लेना कि सद्भाग्य जागृत होने का काल आ गया है। जो जीव भाग्यशाली होते हैं उन जीवों को सहेज ही जिनेन्द्र देव याद आते हैं, जिन प्रतिमाएं याद आती है, जिनेन्द्र देव के दर्शन का विकल्प उन्हें आता है। जिन्हें दर्शन करने का विकल्प नहीं आ रहा है इसका मतलब उन्हें अभागे जानना चाहिए। जिन्हें दर्शन करने का भाव नहीं आता है, जिन्हें जिन प्रतिमाएं, जिन मंदिर, ये धार्मिक माहौल सुहाता नहीं है, इसका मतलब उनका वर्तमान कैसा भी हो लेकिन भविष्य तो पाप के उदय सहित आने वाला है, भविष्य बिगड़ रहा है। ये प्रसिद्ध वाक्य आपने कई जगह पर सुना ही होगा कि यदि मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। यदि आपको लगता है मंदिर दूर है इसका मतलब नरक पास है। जीवंदर कुमार के इन परिणामों के आधार पर यहाँ कितनी सुंदर भावना व्यक्त की गई, कितना सुंदर संदेश दिया गया कि जितने जिन मंदिर हैं सारे जिन मंदिरों की हम सर्वप्रथम वंदना करेंगे, उसके बाद राज्याभिषेक होगा या राजपाट का भार संभालेंगे। ज्ञानियों का अंतरंग और बहिरंग दोनों ही बहुत उत्कृष्ट हुआ करता है। अकेला बहिरंग वो प्रदर्शन मात्र है, जिसके अंदर में ना हो और बाहर में दिखे तो उसे तो प्रदर्शन कहेंगे और क्या है। और जिसके बाहर में ना हो और अंदर में हो ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति आगम ग्रंथों में कही गई है। जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में नियम से होगा। देखो बाहर से घड़ा गीला है तो कोई जरूरी नहीं है कि अंदर उसके पानी हो, लेकिन अंदर यदि पानी भरा है तो बाहर उसके नमी होना जरूरी है, होगा ही होगा। मिट्टी के घड़े की बात करता हूँ, जिसके अंदर पानी भरा है और बाहर उसके नमी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके परिणाम अंदर में भीगे हुए हो, तत्वज्ञान के लिए भीगे हुए हो, आत्मकल्याण के लिए परिणाम पवित्र हो, निर्मल हो, उसका बाहरी जीवन पवित्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका अंतरंग तो उत्कृष्ट है ही, बहिरंग भी बाहर में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए सच बात तो यह है कि किसी का अंतरंग किसी को दिखता नहीं है। जीवंदर कुमार का भी अंतरंग हमें दिखता नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखता है कि वे पुराण पुरुष हैं, पुराणों में इनकी चर्चा है, महापुरुष हैं। इतना हमें पता है कि ये तद्भव मोक्षगामी है, इसी भाव में कुछ श्लोकों के बाद आगे चलकर ये मोक्ष जाने वाले हैं इसी ग्रंथ में, तो इतना हमें पता है। इसलिए हमें मालूम है कि जो जीव थोड़े दिन बाद में मोक्ष जाना, ये तो हमें पता है कि हमें मालूम है ना, कहानी का अंत तो वही होगा ना मोक्ष जाकर के। इसलिए हमने ये सोच लिया
कि भाई जीवंदर कुमार का अंतरंग अच्छा होगा, लेकिन वादीप सिंह सूरी आचार्य देव बार बार में ये दिखा रहे हैं तुम्हें अंतरंग का तो अनुमान है, बहिरंग हम दिखाते हैं। अंतरंग का तो अनुमान है कि उत्कृष्ट है, लेकिन बाहर देखो सारे जैन मंदिरों के दर्शन का भाव इनके हृदय में आया है। कभी कभी विचार बनाना चाहिए ऐसा। सारे जैन मंदिरों की बात तो मैंने कल कही थी, लेकिन ऐसा संभव न हो सके तो कभी कभी सामूहिक रूप से 5 जैन मंदिरों की वंदना इधर की करेंगे, कभी इधर के 5 जैन मंदिरों की वंदना करेंगे। कभी कभी होना चाहिए ऐसा, जैसे कहते हैं ना होली दिवाली, कभी कभी ऐसा प्रसंग कि आज महावीर जयंती है तो चलो कोई बात नहीं, इधर के आज 5 जैन मंदिरों के दर्शन करके आएंगे। आज दिवाली का दिन है तो आज ऐसा करेंगे, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज अष्टमी है। जब जिसका जैसा भाव हो सामूहिक भी विचार मनाया जा सकता है। कभी देखिए सुदर्शन यक्ष की कृतज्ञता, तावता सन्यधात्तत्र यक्षो यक्ष चरो मुदा फलमेव हि यच्छन्ति मनसा इव सज्जनः। उसी समय कुत्ते का जीव यक्ष हर्ष से आया, वहां आया। ये कुत्ते का जीव कौन है? सुदर्शन यक्ष, यक्ष बन गया था, प्रणवकार मंत्र सुना दिया था उसको मरणासन्न अवस्था में। कैसा कुत्ते का जीव आया, एकदम कैसा लगता है? अरे कुत्ते का जीव नहीं है, वो यक्ष है, क्या वो व्यंतरवासी है? क्या यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, ये व्यंतरवासी देवों के 8 प्रकार हैं। व्यंतरों के 8 प्रकारों में एक है किन्नर, एक है किम पुरुष, एक है महोरक, एक है गंधर्व। ये 4 प्रकार के व्यंतरवासी देवों में तो भक्ति की प्रधानता होती है, भक्ति प्रधानी होते हैं ये सब। जिन मंदिरों में घंटे बजना, जिन मंदिरों में आयोजन होना, कभी अचानक रात को कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार आदि दिखना, ये सब इन 4 प्रकार के व्यंतरों के कार्य हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरक और गंधर्व। नाच गान होते हैं, आवाजें आने लगती है, मंदिर बंद था, आवाजें आ रही है अंदर से, भक्ति की आवाजें आ रही है, ढोल मंजीरे बजने की आवाजें आ रही है। तो 4 प्रकार के व्यंतरों का काम है। और आगे क्या काम? यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 4 प्रकार के देवों में कौतूहल की प्रधानता होती है। किसी का अनिष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ऊटपटांग काम, किसी के कपड़े जल गए, किसी के कुछ हो गया, किसी के घर में कुछ, तो कोई पागल हो जैसा, इनका काम है। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, पदम पुरा नजारा वाले। बिना पाप के उदय के तो कुछ प्रतिकूलता बनती नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों का तो निमित्त निमित्तिक संबंध पाप कर्म के उदय के साथ ही है, अनुकूल परिस्थितियों का संबंध पुण्य के उदय के साथ में। तो ये जो अब यक्ष खोटे काम ही करे ऐसा नहीं है, जिसके साथ जिसका दोस्त है उसके लिए तो अच्छा काम करेगा, दोस्तों के साथ तो अच्छे काम होंगे। नहीं, राक्षस का मनुष्य है, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 4 प्रकार के व्यंतरवासी देव हैं। रावण का तो कुल राक्षस था, वो तो राक्षस कुल वाला था, राक्षस जाति का व्यंतर देव नहीं था, कुल का नाम था राक्षस। ऐसे ही हनुमान जी, ये नल, नील, सुग्रीव, बाली, ये सब वानर वंश के थे, वानर नहीं थे, ये बंदर नहीं थे, इनके वंश का नाम था वानर वंशी। तो वंश से क्या फर्क पड़ता है, किसी का नाम तो कुछ भी हो सकता है। वंश का नाम गोदा है तो गधे थोड़ी ना हो गए, किसी के वंश का नाम काला है तो वो कोई गोरे नहीं हो सकते हैं क्या? ये काला है तो काले ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। नहीं, वो नाम की बात अलग है, कुल की बात चल रही, गोत्र की बात चल रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत तरह की बात हो सकती है। कोई सोनी होते हैं, ठग भी है,
अब ठग जिनका नाम है तो क्या वे ठगी हैं क्या? ईमानदार भी हो सकते हैं बहुत। तो ये तो कुल के नाम हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब हनुमान जी तो अत्यंत सुंदर थे, मालूम है आपको? हमारे यहाँ जिनागम में हनुमान जी को 18,000 स्त्रियों का स्वामी विवाहित, अभी ये बात कह दो कहीं और कोई कहेगा कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। 18,000 स्त्रियों के स्वामी थे, कामदेव थे, पद पद है ना, 18वें नंबर के कामदेव थे। 24 प्रकार के कामदेव होते हैं, जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, जैसे चक्रवर्ती 12 होते हैं, जैसे नारायण 9 होते हैं, प्रतिनारायण 9 होते हैं, 9 बलभद्र बलदेव होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, ऐसे कामदेव 24 होते हैं। 24 प्रकार के कामदेवों में जैसे भरत जी पहले नंबर के चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे, 6ठे नंबर के चक्रवर्ती कौन थे? इतना सरल है, जब शांतिनाथ स्वामी को 5वां कह दिया तो कुंतुनाथ 6ठे नंबर के, अरनाथ 7वें नंबर के चक्रवर्ती है। कामदेव भी थे, शांतिनाथ स्वामी कौन से नंबर के कामदेव थे? शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर 5वें चक्रवर्ती, द्वादश काम सुदेवा 12वें नंबर के कामदेव, और 16 तीर्थंकर हम पूजे। आए दिन तो विधान करते रहते हो, द्वादश चक्री 12वें नंबर, द्वादश काम सुदेवा 12वें नंबर के कामदेव। पहले कामदेव कौन थे? बाहुबली। बाहुबली प्रथम कामदेव थे, शांतिनाथ 12वें नंबर के कामदेव थे, 13वें नंबर के कामदेव कुंतुनाथ, 14वें नंबर के कामदेव अरुणनाथ, और 18वें नंबर के कामदेव हनुमान। वानरवंशी थे, 18वें नंबर के कामदेव थे। कामदेव मतलब जानते हैं आप? कामदेव मतलब सर्वांग सुंदर, कामदेव मतलब मनुष्य लोक में जिनके समान दूसरा कोई सुंदर नहीं हो, इतना सौंदर्य जिनका हो वे कामदेव। ये पद है एक विशेष प्रकार का, विशेष जाति की पुण्य प्रकृति के उदय में कामदेव अवस्था की प्रकटता होती है। अब सोचो आप, कहां तो वे सर्वांग सुंदर और कहां उनका रूप बना दो आप बंदर जैसा। अनुवादे बिल्कुल मोक्ष गए हैं, भगवान है वे। हम हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं, हम अर्घ चढ़ाते हैं उनको, हम पूजन कर सकते हैं उनकी, लेकिन किसकी? जिन्होंने राजपाट छोड़कर नग्न दिगंबर अवस्था धारण की हो, फिर मुनिव्रत लेकर के मोक्ष गए, यदि ऐसी उनकी वीतरागी प्रतिमाएं जैसी मांगी तुंगी में विराजमान है, क्या तो हम उनको वंदन करते हैं। अब आप कहो साहब, ये मुकुट लगी हुई ऐसे भेष वाली उसे कैसे पूज सकते हैं, उसको वंदन कैसे करें? हमारा तो आदर्श क्या है? हमारा आदर्श वीतरागता है, हमारा आदर्श संयम है, संयम की पूजा है हमारे यहाँ पे। पूज्यता का आधार संयम है। तो भाई यक्ष हैं, वे देवगति के हैं, ठीक है ना, व्यंतर हैं वे, राक्षस हैं, राक्षस जाति के मनुष्य हो सकते हैं, राक्षस कुल के मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन राक्षस जो मूल में हैं वे व्यंतरवासी देवों का एक प्रकार है। सुदर्शन नाम का यक्ष जो कुत्ते का जीव हुआ करता था पिछले भाव में, जीवंधर कुमार के जैसे ही राज्याभिषेक की घटना सुनी और जिन मंदिरों में जाने की इस बात को उसने देखा, वो तुरंत ही प्रसन्न होकर हर्षित होकर वहां आ गया। दया का भाव। एक बात पूछूं आपसे, नौकार मंत्र सुना है? हमने कहीं ना बहुत, अभी अभी सारा खेल तो परिणामों का है। जब वो प्रसंग चला था तब हमने इस बात को विस्तार से देखा था, जब ये प्रसंग इसमें पीछे आया था जिस जगह पर ये श्लोक, तब हमने इस बात को घोल घोल करके बतलाया था कि नमोकार मंत्र कान में पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, असली काम तो कान में नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से, पढ़ने पर जो भाव उसके प्रति लगे, जो भावों में निर्मलता आई, जो हो कोई अद्भुत मंत्र मुझे सुनाया जा रहा है, ये तो कोई अद्भुत है, ये कोई देव परमात्मा
ये कोई बातें कुछ जो बतलाई जा रही है, ये कोई पूज्य व्यक्ति हैं, तो जो परिणाम अंदर में बदले, उन परिणामों से बंधने वाला कर्म उस जीव को देव गति में ले गया। हाँ, मरणासन्न बैल प्रणव का मंत्र सुनाया उन्होंने, तो ये भी नहीं बोले थे ना, ये तो मैंने सारी बातें कही है आपने। हाँ, तीर्थंकर नहीं थे तो क्या हो गया, लेकिन चौथे काल में कहाँ था वो नमोकार मंत्र इस रूप में जिस रूप में उपलब्ध है। ये तो धर्सेन पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से लिखा गया ना, धर्सेन आचार्य के शिष्य पुष्पदंत आचार्य और भूतबली दोनों शिष्य थे, पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से शतखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिखा गया सबसे पहले 2000 साल पहले। अनादि अनंत तो भाव की अपेक्षा से है, क्योंकि पांचों परमेश्वर अनादि काल से होते आ रहे हैं, भूतकालीन 24 ही, उसके पहले की 24 ही, भविष्य में अनंत काल तक होते रहेंगे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेश्वर अनादि काल से होते रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे, इसलिए उन्हें नमस्कार करने वाला मंत्र भी अनादि काल से होना चाहिए। तो भाव की अपेक्षा से यह अनादि निधन है, भाव अपेक्षा से, शब्द नहीं। शब्द तो अभी लिखे गए हैं, नए लिखे गए हैं, अब ये तो ज्यादा समय तो नहीं हुआ, 2.5 साल पुरानी घटना है और क्या है। 15 मार्च 2017 जब अपने शुरू किया था नमोकार मंत्र और क्या, तो वो प्रवचन सुनो वापस, कभी कभी सुनना चाहिए पुराने, तो जिससे वो वापस वो बात ख्याल में आती है, प्रयोजन भूत बातें थी बहुत सारी। श्रुत पंचमी का भैया ये बहुत तरह की बातें हैं साहब, अपन तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यक्ष लौट करके आ गया है और कुत्ते का जीव था और हर्ष से वहां दौड़ता हुआ चला आया, मित्र थे उनके जीवंधर कुमार, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। देखिए फिर हुआ क्या, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नीति रह गई क्या, निश्चय से सज्जन पुरुष कटहल के वृक्षों की तरह फल को ही देते हैं। वाह, ये कैसे, कटहल का वृक्ष जानते हैं आप, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा झुक जाता है, वो फल को ही देते हैं, वो उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देते। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के पश्चात राज्याभिषेक के संबंध में विचार विनिमय चल ही रहा था, इतने में ही कृतज्ञ यक्ष सुदर्शन विजयी वीर जीवंधर कुमार के सामने सेवा भाव से उपस्थित हुआ, क्योंकि सज्जन मनुष्य कटहल वृक्षों के समान पुनः पुनः सबको सुखद फल प्रदान करते ही रहते। तो सज्जन पुरुष है ना, क्या सबका सहयोग ही करते रहेंगे, उनका काम ही सबकी हेल्प करना है, जब देखो तब उनका काम तो सहयोग करना है, उनका काम तो हेल्प करना है, ये सज्जनों का ऐसा ही स्वरूप हुआ करता है। देखिए विशेष अर्थ, सर्वप्रथम विशेष यश प्राप्त जीवंधर कुमार ने त्रिलोकी नाथ तीर्थंकर भगवंतों की पूजा भक्ति की, सबसे पहला काम। तदनंतर अभिषेक मंडप में जीवंधर कुमार के मित्र सामंत एवं राजागण तथा मामा राजा गोविंद राज एकत्र होकर राज्याभिषेक के लिए विचार विनिमय कर ही रहे थे, इतने में पूर्व भव के कुत्ते का जीव जो जीवंधर कुमार द्वारा दिए गए नमोकार महामंत्र से, महामंत्र नमोकार से सुदर्शन यक्ष बना था, वह राज्याभिषेक के महान कार्य में सहयोग देने हेतु उपस्थित हुआ है। जैसे कटहल का वृक्ष पुनः पुनः फल देता ही रहता है, वैसे ही कृतज्ञ तथा सज्जन सुदर्शन यक्ष जीवंधर कुमार की आपत्ति और खुशी के अवसर पर बार बार सहयोग देता ही रहता है। कृतज्ञ माने
उपकार मानने वाला, अपने ऊपर किए गए कि उपकार को सदा स्मरण करने वाले वे कृतज्ञ होते हैं। और इसका अपोजिट बचपन में पढ़ते थे, कृतघ्नी। कृतज्ञ माने उपकार को स्मरण करने वाले, और कृतघ्नी गुण चोर। कृतघ्नी माने किए हुए के उपकार को भूल जाने वाले। देखिए ये यक्ष कितना सज्जन है कि जब कभी संकट आता है तो उस काल में भी बचाने के लिए दौड़ा चला आता है, और जब कोई खुशी का प्रसंग बना तब भी बिना बुलाए ही दौड़ा चला आया सहयोग करने के लिए। अवधि ज्ञानी तो होते ही है, सभी देव नियम से अवधि ज्ञानी होते। देखिए जीवंधर कुमार ने महाराजा जीवंधर कुमार से महाराजा जीवंधर कुमार होना। भाई देखो कल तक जो जीवंधर जीवंधर थे, आज के महाराजा जीवंधर हो गए। कल तक जो महाराजा शब्द का उच्चारण सत्येंद्र के साथ में किया जाता था, अब वो महाराजा संबोधन जीवंधर कुमार के साथ लागू होगा। महाराजा माने सम्राट। अथ गोविंद राजेन यक्ष राजो यथाविधि अभ्यशिन चन महाराजम गौरवम गुरु गौरवात। क्या कह रहे हैं, इसके अनंतर यक्षेंद्र ने गोविंद राज के साथ बड़े गौरव से महाराजा जीवंधर कुमार का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया। ओ यक्षेंद्र ने भी राज्याभिषेक किया। विशिष्ट विचार विनिमय और संतोषकारक सब व्यवस्थाएं हो जाने पर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान महापुण्यशाली कुरुवंशी महाराजा जीवंधर कुमार का यक्षेंद्र और राजा गोविंद राज आदि महानुभावों ने अत्यंत वैभव के साथ विधि पूर्वक अभिषेक मंडप में राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक हो गया उनका। समस्त प्रजाजन को अब जीवंधर कुमार राजा बन गए हैं यह जानकर अतिशय आनंद हुआ। प्रजा ने महान उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया। यहाँ राज्याभिषेक कार्यक्रम अति आवश्यक था, जो यथा समय किया गया। ठीक है सब, चलें आगे। अपन कुछ नहीं बोल रहा हूं है? यक्षेंद्र का अपने निवास पर गमन, चला गया भी अपने स्थान पर, यहाँ थोड़ी न रहेगा। मध्य लोग में क्या करेंगे यक्ष रह करके? उन यक्षों को तो अपने स्थान चाहिए, जहाँ महल हो उन स्थानों पर रहना है उन यक्षों को। तो देखिए क्या चीज सबके, चारों प्रकार के जो देव होते हैं उनके कंठ से अमृत झड़ता है। जितनी उनकी आयु होती है उसके प्रमाण काल में, जिनकी आयु सागरों में हुआ करती है, ऐसे वैमानिक देवों में तो जितने सागर की आयु उतने हजार वर्ष में कंठ से अमृत। अब यक्ष आदि जो हैं, ये यक्ष आदि की आयु तो पल्लियों में होती है, तो यथा योग्य समय उनका जितना है उतने समय में भोजन का विचार आता है, विकल्प आता है, कंठ से अमृत झर जाता है। भोजन नहीं करते हम आप जैसे, ऐसे सामग्री नहीं है, कौन बनाए कौन करे, रेडीमेड है सारा काम, जैसा चाहे वैसा उनको तृप्ति हो जाती है। पुण्यशाली होते हैं, इस तरह का उस जाति का पुण्य होता है उनका। देखिए अयादा प्रच्य राजेन्द्रम यक्षेन्द्रोपि स्वमन्दिरम नैया सत्या तु सापेक्षो भान पद्म विकासने। यक्षेन्द्र भी राजेंद्र से पूछकर अपने स्थान को चला गया। अब ये राजेंद्र हो गए,
सारे नगर में श्रेष्ठ नगर था राजपुरी नगर, और उसके बन गए हैं ये राजा। इनसे पूछकर बात करके आज्ञा लेकर अपने स्थान पर चला गया। निश्चय से सूर्य कमलों के प्रफुल्लित होने पर फिर किसी आसक्ति से अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात कमलों को खिलाकर फिर उनसे कुछ संबंध नहीं रखता हुआ अस्ताचल की ओर चला जाता है। ये नीतियाँ कितनी गजब की, सुंदर सुंदर बात कह देते। सज्जन सज्जन पुरुषों की सज्जनता इस प्रकार की हुआ करती है। कैसी सज्जनता होती है कि वे सहयोग करने के बाद किए हुए उपकार को भूलकर, अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। ये सज्जनों की मानता होती है, गिनाते नहीं। मैंने ये किया, मैंने ये करा दिया, मैंने देखो कितना क्या नहीं किया इनके लिए आज तक, क्या ये बार बार सुनाते ही रहोगे तुम। सज्जन लोग सुनाते नहीं है। और क्या करते हैं, कितना सुंदर सूर्य का एग्जाम्पल दे दिया भाई। वो उदित होता है, सहयोग किसका करता है, कमल का। कमल का सहयोग करता है, वे कमल खिल जाता है। फिर कमल खिल जाने के बाद बोले अब कमल का क्या होगा, कुछ नहीं विचार करता हुआ अपना काम कर देने के बाद अब वो सूर्य अस्ताचल। अस्ताचल क्या होता है, निषद पर्वत को पूर्वोन्मुखी, पूर्व दिशा सन्मुख निषद पर्वत को उदयाचल कह करके पुकारा है, और पश्चिम दिशा की ओर मौजूद उसी निषद पर्वत को अस्ताचल कहा गया है। अस्त अचल, अचल माने होता है पर्वत। अस्ताचल उदयाचल, उदिया चले सहस्त्र रश्मि आया भक्तमल स्तोत्र में जो प्रयोग किया गया है, कुंदोदयाद्री सिरसीव सहस्त्र रश्मि। ये कुंदोदयाद्री वो क्या चीज है, वो भी उदिया चले हो निषद पर्वत के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं ये। और मालूम है आपको सूर्य का विमान, ये तो विमान है जैन परंपरा में, सूर्य और चंद्रमा के विमान है, ज्योतिष देव इनमें निवास करते हैं, हजारों देव इनको खींच रहे हैं। ये विमान मूल में तो कौन से कलर का है, ये समझिए आप पीले रंग के हैं, जैसे चमकदार दिखाई देते हैं, रोशनी जैसे सूर्य की दिखती है। जब ये सूर्य का विमान निषद पर्वत के नजदीक से गुजरता है, माने सूर्योदय के काल में उदय होने पर, तो निषद पर्वत चूंकि गोल्ड का है, तपाए हुए स्वर्ण जैसा, तो उसकी आभा से ये लालिमा युक्त दिखाई देता है ये सूर्य, और अस्त होते समय भी लालिमा से युक्त दिखता है। आप देखो उदित होते हुए सूर्य को देखेंगे तो रेड कलर का दिखेगा, और माथे पे चढ़े हुए सूर्य को देखेंगे तो पीला दिखेगा, और फिर जब अस्त होता हुआ दिखेगा तो फिर वापस लाल दिखेगा। कि क्या चक्कर है ये, कि निषद पर्वत का कलर तपाए हुए स्वर्ण के समान है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय का सूत्र है, हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मया। सूत्र पढ़ा है आपने, सूत्र जी का पाठ करते होंगे कभी। हेम अर्जुन तपनीय, तपनीय तपाए हुए सोने जैसा है निषद पर्वत, उसका कलर तो वो उसकी आभा के कारण वो लालिमा से युक्त दिखाई देता है सूर्य। तो ये कह रहे हैं जिस तरह से सूर्य कमल को खिला देने के पश्चात वो अस्ताचल की ओर चला जाता है, माने उसे उपकार कर देने के बाद कुछ स्मरण नहीं है कि मैंने कितने कमलों को खिलाया, कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए यही बात कह रहे हैं सरलार्थ विशेषार्थ में पुनः, उत्साह और आनंद पूर्वक एवं ठाट बाट से जीवंदर कुमार का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात यक्षेंद्र सुदर्शन ने
राजाधिराज जीवेंद्र कुमार से आज्ञा लेकर अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया, क्योंकि सूर्य कमलों को खिलाने के बाद उनसे संबंध न रखकर अस्ताचल की ओर प्रस्थान करता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात मेहमान को अपने निजी स्थान को जाना ही उचित रहता है। क्या अब आ गए, आओ भगत हो गई, सम्मान मिल गया, भोजन पानी हो गया, नाश्ता कर लिया, जिस प्रयोजन से आए थे वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब उनको क्या करना चाहिए? अपने घर की ओर प्रस्थान करना ही उचित है। मेहमान का दूसरे के घर में अधिक काल पर्यंत अनावश्यक रहना उचित नहीं क्या? थोड़े दिन के लिए अच्छे क्या? अपना घर तो अपना ही होता है। देखिए आप, राजाधिराज जीवेंद्र कुमार का समयोचित कार्य अब देखिए, तो राजपाट चलेगा तो और क्या है, थोड़े समय और फिर कब प्रसंग है ऐसा बनेगा, दीक्षा लेके चल देंगे, फिर कहानी खत्म हो गई। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, सब सब आएंगे, सब होगा। तर्पिता खिल लोको स्मात सौदाभ्यंतर माश्रित सिंहासन मलन चक्रे राज सिंह क्रमागतम। फिर प्रसन्न किया है संपूर्ण लोक को जिसने, ऐसे उन राजाओं में श्रेष्ठ जीवेंद्र कुमार ने इस जिन मंदिर से निकलकर और अपने महल को प्राप्त करके कुल परंपरा से प्राप्त राज सिंहासन को सुशोभित किया। अब ये वापस कहां जिन मंदिर पहुंच गए? समस्त प्रजाजन को प्रसन्न करने वाले सिंह के समान तेजस्वी तथा प्रधान राजा जीवेंद्र कुमार अभिषेक मंडप से निकलकर राजमहल में पहुंचे और वहां कुल परंपरा से प्राप्त सिंहासन को सुशोभित किया। राज्याभिषेक कोई सिंहासन पे नहीं होता है, राज्याभिषेक किसी विशेष स्थान पर होता है जहाँ देव भी होंगे, जिन प्रतिमाएं भी होगी, जिनेंद्र देव होंगे उस जगह पर, क्योंकि राज्याभिषेक में जो जल धारा माथे पे डाली जाएगी, जो अभिषेक किया जाएगा, तो सारा सिंहासन और सब कुछ कीचड़ कीचड़ हो जाएगा महल में, राज दरबार में। तो बिल्कुल स्नान का काम, राज्याभिषेक का काम मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक किसी विशेष स्थान पर ही होता है, और हो सकता है ये जिन मंदिर के दरवाजे पर बाहर हुआ हो। क्या पहले जिनेंद्र अभिषेक, फिर वहां से बाहर निकल करके राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के बाद मंदिर प्रांगण से निकलकर फिर पहुंचे राजमहल में। राजमहल क्या कहेंगे, उस राज दरबार में, दरबार में पहुंचे ना। राजमहल तो शयन कक्ष जैसा होता है, और राज दरबार जहां सिंहासन लगे होते हैं। तो राज्याभिषेक के आनंददायक अवसर पर राजा जीवेंद्र कुमार ने अनेक लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से अपेक्षित दान दिया। दया पात्र बंदी जनों को कारागार से मुक्त कर सुखी किया तथा विशिष्ट विद्वानों का उचित सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया। माने ये सब बातें मूल श्लोक में तो कहीं इस तरह की लिखी नहीं है, लेकिन कुल परंपरा से प्राप्त में ये शायद ये अर्थ निकाले गए होंगे कि उन्होंने ये सब कार्य किए हैं। और सही बात है भाई, राजा लोग विशेष अवस्था को प्राप्त करने के बाद, विशेष अनुष्ठान आदि करने के बाद भी किमिच्छिक दान वगैरह दिया करते हैं, तो ये भी सब हुआ हो। देखिए सामान्य जन को विस्मय, आगे बढ़ते हैं। तद्वृत्तांत वितर्को भूलोके विस्मय प्रणित अतर्क्य संपदा भयाम विस्मयो ही विशेषतः।
संपद आपद भयाम। क्या कह रहे हैं? फिर सारे लोक में विस्मय से वृद्धिंगत जीवंधर कुमार ने वृत्तांत का विचार हुआ, जीवंधर कुमार के वृत्तांत का विचार हुआ सारे लोक में। निश्चय से अकल्पित संपत्ति एवं विपत्ति के आने से विशेष रूप से आश्चर्य हुआ करता है। माने ये वृत्तांत का आश्चर्य हुआ कह रहे हैं, राजपुरी नगरी के सारे लोग जानते तो थे ही, राजकुमार के रूप में नहीं जानते थे, सत्येंद्र के बेटे के रूप में नहीं जानते थे, लेकिन सेठ गंधोत्कट के बेटे के रूप में तो जानते थे। रहता तो उसी नगरी में था, कभी गायों को छुड़ाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, उसी नगरी में रहता था, घूमता फिरता था, काम करता था, सबका सहयोग करता था, खेलता कूदता था, तो उस नगरी के सारे लोग जानते तो थे उसको। अब क्या हुआ, जब वो राजा बन गया, राज्याभिषेक हो गया, तो पूरे लोक में, राजपुरी नगरी में और आसपास में चारों तरफ आश्चर्य का माहौल, अरे ये राजा है, अरे ये सत्येंद्र महाराजा के पुत्र हैं। तो ऐसे आश्चर्य से वो लोक में वो वातावरण आश्चर्य का फैल गया और इसके साथ साथ ही सारा वृत्तांत दिमाग में घूमने लगा। पहले कैसे थे, अब क्या हो गए, कैसे हुआ होगा, अरे अरे कैसे उसको मारा होगा, कैसे उसका जन्म हुआ होगा, कैसे सेठ पहुंच गए, सेठ के यहाँ पहुंच गए होंगे, फिर सेठ ने पालन पोषण किया होगा, अभी वापस राजा बने। इसका नाम वृत्तांत, पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में सबके दिमाग में घूम रही है ऐसे विचार करते हुए। अभी जो भी है, क्या पता राजगिरी भी हो सकता है, सच में राजगिरी भी राजपुरी हो सकता है, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का समोचरण था ना राजगिरी में, विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी में, और ये राजपुरी नगरी ही। और अभी भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में पहुंचेंगे जीवंधर कुमार, तो राजपुरी नगरी और राजगिरी नगरी ये एक भी हो सकती है। छोटे छोटे से नाम परिवर्तन तो काल भेद से होते रहते हैं, 25-50 सालों में ही नाम कितने बदल गए हैं, 100-200 साल पहले जाकर के देखो तो आपको नाम कितने परिवर्तित मिलेंगे। और ये तो 2500 वर्ष पहले में तो नाम बदल गए हो, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कितने नामों के बारे में, आप देखो कोलकाता का नाम बदल गया, चेन्नई का नाम बदल गया, मुंबई का नाम बदल गया, बेंगलोर का नाम बदल गया, उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तरांचल अलग हो गया, नहीं जा गुरुग्राम गुड़गांव गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम गुड़गांव नाम बदलते रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, कितने प्रांत बदल गए। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आज के 100 साल पहले का हिंदुस्तान का नक्शा देखो तो उसके अंदर आपको ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो आसपास के भूटान, ये सब मिले हुए दिखेंगे ना हिंदुस्तान के नक्शे में। क्यों साहब, हिंदुस्तान के नक्शे में 100 साल पहले ये सब थे कि नहीं, एक ही था ना ये। बोलो, पूरा एक था, अब देखो तो अब नहीं है, अब सब बदल गए। पुराने नक्शे में देखो तो आपको उसका नाम पाकिस्तान मिलेगा ही नहीं, 100 साल पहले पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था, तो नाम कुछ और होगा। विभाजन के बाद उन्होंने अपने देश का नाम पाकिस्तान, पवित्र स्थान कह करके पाकिस्तान रख दिया उसका नाम। सब बदल जाते हैं, कितने परिवर्तन हो जाते हैं, तो 150 साल की कह रहा हूं मैं। आज यदि आप कलकत्ता बोलो तो पुराने लोग ही समझते हैं, नए लोग तो कलकत्ता से जानेंगे ही नहीं, कोलकाता ही मिलेगा उनको। अब कई कई नाम तो इतने ज्यादा परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मद्रास और चेन्नई, ये तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। मुंबई और बंबई तो एक जैसा दिखता है, बंबई का नाम बदल करके मुंबई हो गया, तो बंबई मुंबई एक जैसा दिखता है। बेंगलुरु और बेंगलुरु एक जैसे दिखते हैं नाम, ठीक है ना। और अभी कौन से नाम की बात, कोलकाता और कलकत्ता एक जैसा दिखता है। मुगल सराय का नाम बदल गया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया उसका नाम, मुगल सराय का नाम। ये तो अभी किया है इसने, आपके 2-3 साल 2 साल में योगी ने,
मुगल सराय नाम ही नहीं है आपको, मुगल सराय का नामो निशान मिटा दिया। मुगल सराय कितना फेमस नाम था, शिखर जी जाते समय तो क्या मुगल सराय आने वाला है, मुगल सराय आ गया। सबसे बड़ा जंक्शन दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया उसका। बोलो अब आज तो फिर सब जान रहे हैं, आज के 50 साल बाद में कौन जानेगा उसको मुगल सराय। किस तरह से नाम परिवर्तित हो गए। और ऐसे मैंने आपको चेन्नई उसके बारे में कहा, चेन्नई चलता है सब जगह, मद्रास तो भूल ही गए, भूल गए सब लोग मद्रास। तो इतने परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये छोटा सा परिवर्तन राजपुर का राजग्रही कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है वो भी हो सकती है। देखो और शायद बात आगे जाकर के खुले कहीं कुछ और। कहाँ आ गए अपन, सरल अर्थ पढ़ दिया अपन ने, विशेष अर्थ पढ़ो नहीं, कहाँ पढ़ा अभी तो नीति नहीं पढ़ी। निश्चय से अकल्पित संपत्ति एवं विपत्ति के आने से विशेष रूप से आश्चर्य हुआ करता है। अकल्पित संपत्ति आ गई, कल्पना ही नहीं थी, विपत्ति आ गई अचानक, तो फिर आपको आश्चर्य होता ही है। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही, ये क्या हो गया, उठाई नहीं जा रहा है, ये विपत्ति आ गई है, ये क्या हो गया, इतने संपन्न थे इनका कैसे दिवाला निकल गया, तो एकदम विपत्ति आ गई, आश्चर्य होता है आपको। अरे ये कहां से कहां पहुंच गए, कल तक तो रोटियों के लाले पड़ रहे थे और आज इतनी संपन्नता, ये कैसे हो गया। तो अचानक संपत्ति के आने पर भी आश्चर्य होता है और अचानक विपत्ति के आने पर भी आश्चर्य होता है। जीवंधर कुमार के अकस्मात राजा बन जाने की घटना से सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि अकस्मात आने वाली संपत्ति और विपत्ति से विशेष रूप से आश्चर्य होता ही होता है। मरे दुर्घटना हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये तो अचानक विपत्ति है और क्या है, तो क्या लगता है एकदम, अरे कल तक तो ठीक थे, अरे अभी तो मिले थे, अभी तो ऐसा हुआ था, आश्चर्य वही मेरा नहीं रहता है। देखिए विशेषार्थ, जीवंधर कुमार सेठ नंदोत्कट के पुत्र के रूप में ही सबको प्रसिद्ध थे। हैं? एक व्यापारी के पुत्र का एकाएक राजा हो जाना विस्मय का कारण बनना स्वाभाविक ही है। कितने सुंदर बात इन्होंने कह दी है, अचानक देखो और देखो आगे चल करके कर्मोदय की विचित्रता को दिखाने वाले हैं ये। और अभी हम ये यहाँ विस्मय की जो बात कही है, इससे ही हम उस तरह की बात समझ सकते हैं कि आगे क्या कहने वाले होंगे ग्रंथकार नीतिकार। कितना आश्चर्य लगता है अचानक बनने वाली घटनाएं। इसलिए भाई समय का कोई भरोसा नहीं है, समय नहीं लगता, समय बदल जाने में, यह हमारा कथन नहीं है, ये भी तो यही वादीप सिंह सूरी आचार्य देव का कथन है, समय नहीं लगता है भाई साहब, कब समय बदल जाए। इसलिए जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जो हमारे पास में है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, अधिक आपाधापी नहीं, हाय तौबा नहीं, भाग दौड़ नहीं, अधिक संकल्प विकल्प नहीं, सहजता, सहजता का मार्ग है ये जिन धर्म का मार्ग, सहजता से स्वरूप की प्राप्ति होती है, स्वरूप की उपलब्धि सहज स्वभाव के अवलंबन से होती है। इसलिए भाई संपत्ति और विपत्ति, कब विपत्ति संपत्ति में बदल जाए, कब संपत्ति विपत्ति में बदल जाए, कब तीव्र पाप कर्म का उदय आ जावे, कब देखो कैसे कैसे लोग कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां आ गए, क्या नहीं नहीं देखा गया ये, कहां से क्या क्या कहते हैं, अक्ष से हर्ष है, फर्श से हर्ष तक, हर्ष से फर्श तक है, चाय वाले से प्रधानमंत्री तक। अब चाय वाले से प्रधानमंत्री बनते हो तो कल से अपन भी दुकान चालू करो चाय की, ये कभी तो अपन भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हिंदुस्तान में कितने चाय वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन समय जिसका बदल जाता है फिर उसका तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए भाई समय बलवान है, होनहार बलवान है, काल लब्धि अनुसार कार्य होते हैं, ये ऐसा विचार करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक उस काल का इंतजार मत करो। अभी समय बराबर चल रहा है तो समय रहते हुए जागृत हो जाने में, सावधान हो जाने में ही समझदारी है।
जब तक समय प्रतिकूल न आ जावे तब तक हमें अपना आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। विचित्रता की चर्चा बहुत सुंदर शब्दों में नीचे की है, कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे।